अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान। आपका दोस्त है। लॉकडाउन चल रहा है बॉस, और स्टे सेफ, स्टे इन होम। अच्छा, आज का सीन क्या है कि मैंने ये प्लान किया कि आज जो है ना, मैं लॉकडाउन घर में बैठे के काम धंधा कर रहा हूँ, तो आज GS 150 के मीटर की सर्विस करने का प्लान था। तो मैंने बोला आप सबसे शेयर करूँ साथ साथ। तो GS 150 के मीटर की सर्विस करते हैं, क्योंकि इसका मीटर के बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई ये रिलायबल नहीं होता, इसकी जो स्पीड है वो मेनटेन नहीं हो पाती है, जो ऑरिजिनल स्पीड होती है उसके साथ। तो बिना किसी टाइम जाए कि अगर सबसे पहले तो ये बता दो बाइक की टी शर्ट कैसी लगती है पहला, और सेकंड पे चलते हैं बिना टाइम जाए कि आपने मीटर की सर्विस की तरफ। तो चलते हैं पहले सर्विस करते हैं, बाकी बात नहीं करेंगे। हाँ तो भाइयों, पहला सीन क्या है कि आपको GS 150 के लिए जो है वो एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ भाई, सिक्योरिटी। सो गाइस, GS 150 का मीटर खोलने के लिए कोई ऐसे हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ये 8 का पाना चाहिए, छोटा सा जो होता है 8 का, बस ये चाहिए। यहाँ पे एक स्क्रू है इसका, यहाँ पे एक बोल्ट है, और यहाँ एक बोल्ट है, और यहाँ एक बोल्ट है, और कि RPM की और मीटर की जो केबल है बस वो निकलेगी। तो चलते हैं हम और अपनी मीटर को खोलते हैं, कैसा कैसे खुलेगा देखते हैं। क्या है कि सर्विस इसकी बस ये करनी है कि आपको ऑयल लेना है अच्छा वाला ऑयल। आप जब अच्छा लोगे तो ये तभी मज़ा आएगा काम करने में, वरना क्या होगा कि लोकल ऑयल, वो जो गंदे ऑयल डालते हैं वो नहीं डालने हमें। इसे ज़्यादातर ये वो क्या कहते हैं, वो सिलाई मशीन नहीं होती, उनका भी ऑयल होता है इसमें कम। ये अच्छा वाला ऑयल है, ये आप ले लोगे। और इसमें करना क्या है, सिर्फ इसमें 2 से 3 ड्रॉप अपने मीटर में आपको इस तरीके से डालना है, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखना है। ये डल गए हैं ड्रॉप्स 2-3, ये बस मीटर की गरारी में चले जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, ये जो आपका मीटर है, जो केबल है आपकी RPM की और स्पीडोमीटर की, दोनों की केबलों में भी आपको इस तरीके से ही ऑयल पुट करना है, ये इस तरह, और कुछ देर के लिए इसको रहने देना है। और अगर आपको बल्ब वगैरह चेंज करना मीटर का, तो ये रहा बल्ब, ये आप इजीली निकाल के इसको चेंज कर सकते हो बल्ब भी, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। तो हम कुछ देर के लिए मीटर को भी ऐसे रखेंगे ताकि जो है वो हमारा मीटर हो जाए। अब दूसरे मीटर में भी ऑयलिंग कर लेंगे इस तरीके से सेम, और इसको भी हम ऑयलिंग हो जाएगी इस तरह से। और हमारी केबल काम गई इसकी भाई, केबल केबल केबल, अच्छा जी भाई ये हो गया है सिलसिला ऐसा कि स्लाइड्स में जुड़ गई हुई है। ये हो गई भाई मीटर आपका, ऑयलिंग हो गई है, और आपकी वायर में ऑयलिंग हो गई है, और आपकी सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है वो चेंज कर लेंगे। तो आपकी मीटर की सर्विस हो गई है डन, इसको सफाई कर लेंगे, और उसके बाद इसको लगा देंगे वापस। सो गाइस, मीटर सर्विसेज हो चुके हैं, केबल की हमने सर्विस कर ली है, और अब बस मीटर जो है वापस लगा रहा हूँ। तो लगाना भी इसको बहुत इजी है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हर 6 महीने बाद आप इसको, अगर 10 मिनट का काम है मशीन से, ये आपकी अपनी बाइक, तो बस ये भाई आप अपनी बाइक का खुद ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थोड़ा सा मेरे जंग खाए हुए थे, तो मैंने इसके अंदर एक स्प्रे यूज़ किया, ये मैंने स्प्रे से जो है वो अपने ये जो चीज़ है सब इसके ऊपर कलर कर लिया पानी से, ये भी साफ़ सुथरे हो गए। और बस चलते हैं, मीटर को क्लोज़ करते हैं, और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक यू सो मच, बस दैट्स इट। और दुआओं में ज़रूर याद रखें भाई को। सो गाइस, मीटर बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में एकदम, और RPM वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही हैं। और यही बेस्ट थिंग है कि आप अपनी जो है वो सर्विसेज जो है वो करते रहें, हर 6 महीने बाद अगर आप सर्विस कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके मीटर में जो है ना वो जान बाकी रहेगी, उसकी मोटर भी ख़राब नहीं होगी, और मीटर आवाज़ भी नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली मीटर में यही इशू आता है कि मीटर आवाज़ कर जाता है GS 150 का। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें, और भाई को इजाज़त दें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।